हम आपको जापान लेकर चलेंगे और यहां से भी आप सब और आपका देश यानी भारत बहुत कुछ सीख सकता है। जापान से भारत को मर्यादा की शिक्षा देने वाली एक खबर हमारे पास आई है। जापान एक ऐसा देश है जहां के नागरिकों से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। जापान के नागरिकों ने एक बार फिर नैतिकता, मानवीय मूल्य, मर्यादा और आदर्शों का ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आज पूरी दुनिया जापान की प्रशंसा कर रही है। जापान में एक ऐसी हड़ताल हुई है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। जापान के शहर ओकायामा में बस ड्राइवर्स ने एक हड़ताल की, लेकिन इस हड़ताल में ना तो कोई चक्का जाम हुआ, ना ही कोई बस रोकी गई, बल्कि जापान के आम लोगों को बस ड्राइवर्स की हड़ताल से फायदा ही हुआ, क्योंकि लोगों को मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिला। भारत में आपने देखा होगा, हड़ताल का मतलब होता है हंगामा, हुड़दंग, हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक लोग परेशान नहीं होते, उस बंद को सफल नहीं माना जाता। जब तक तोड़फोड़ ना हो, गाड़ियां ना टूटें और जनता की संपत्ति का नुकसान ना हो, तब तक उस बंद को हम सफल नहीं मानते। हमारे देश में हड़ताल का मतलब होता है सभी जरूरी आवश्यक सेवाओं का बंद होना। भारत में जब हड़ताल होती है तो अस्पताल, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, यातायात बंद होना जरूरी माना जाता है और पूरा सिस्टम काम काज छोड़कर आराम करने लगता है। जब भी हड़ताल या बंद की घोषणा होती है तो राजनीतिक दुकानें सज जाती हैं, खुल जाती हैं, नेता अपनी छवि चमकाने में जुट जाते हैं, यानी कुछ लोग हड़ताल और बंद का फायदा उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग तो लूटपाट भी शुरू कर देते हैं, जबकि आम आदमी इसकी वजह से परेशान होता रहता है। लेकिन अगर आप जापान की इस हड़ताल पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी देश के नागरिकों का सच्चा कर्तव्य क्या होता है। ओकायामा में तमाम बस ड्राइवर्स जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वो अपनी मांगे सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो ये नहीं चाहते थे कि आम लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला और टिकट मशीन को बंद कर दिया। इससे लोगों की यात्रा मुफ्त हो गई और उनका विरोध भी दर्ज हो गया, यानी यात्रा चलती रहेगी, सिर्फ टिकट नहीं खरीद पाएंगे। वहां के बस ड्राइवर्स का कहना है कि अगर वो बसों को बंद कर देते तो आम नागरिकों को परेशानी होती और उन पर यह आरोप लगता कि बस ड्राइवर्स को सिर्फ अपनी चिंता है, लोगों की नहीं। लेकिन इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की वजह से बस सर्विसेज के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि आम लोग खुश हैं और शायद अब वो भी ड्राइवर्स का साथ देने लगेंगे। जापान के लोगों ने आज पूरी दुनिया को यह बताया कि हड़ताल की भी एक मर्यादा होती है। भारत के लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश में हड़ताल के नाम पर आम लोगों के सुख और चैन को छीन लिया जाता है, रौंद दिया जाता है, चाहे सड़कें जाम हो जाएं, एम्बुलेंस में किसी मरीज की मौत ही क्यों ना हो जाए, हड़ताल करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगजनी, फायरिंग, तोड़फोड़, मारपीट, गुंडागर्दी और मौत, भारत में हड़ताल की तस्वीरों को आप इन सारे शब्दों में समेट सकते हैं। भारत एक हड़ताल प्रधान देश बन चुका है, लेकिन भारत के लोग अब भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की मर्यादा को समझ नहीं पाए हैं।